मैं आपको खरीद जब ले तेरी आओ, औकात तुम आ नहीं थी जाओ इतने मेरे साथ बड़े में, तो कलाकार मैंने को बोला ही साथ नहीं में था रखने आपको। की। मैं ये हाँ क्या बोलते है कंपनी, हाँ उसमें है कि नहीं सब लोग इधर पे, क्या शॉट इस बार मार्केट में कुछ नया आया है, मैं नहीं मानता, जानोगे क्या भी। तो वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि बैंड इंडस्ट्री में आजकल क्या से क्या हो रहा है, कोई किस बैंड को छोड़ रहा है तो कोई उस बैंड में जा रहा है। गजब लफड़ेबाजी है यार, यानी बहुत लफड़ा है बाबू भैया, बहुत लफड़ा है। समझ रहे हो? और एक तरफ लड़कियां पानी पूरी की इतनी ज्यादा दीवानियां हो चुकी है कि क्या बताऊं, पानी पूरी खाने के चक्कर में अपना कोयल जैसा सुंदर सुशील और सुरीला आवाज को भी अलविदा बोल चुकी है। मैं नहीं मानता। जैसे रुकस्टार बैंड की न्यू लेडी सिंगर को ही देख लो, उसकी आवाज को सुनने के बाद लोग भी यही कहते हैं, इससे अच्छा गाना तो मेरे 60 साल की बूढ़ी दादी माँ गा लेती है। लेकिन कुछ भी कहे, रुकस्टार बैंड के मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस सिंगर और वॉइस आर्टिस्ट कहा जाने वाला प्रदीप सिंगर लेडीज वॉइस इतना ज्यादा हार्ड निकलता है ना कि कसम हिंदुस्तान की, उसका टक्कर कोई लड़की क्या लड़की का पूरा खानदान भी नहीं दे सकता। और वैसे पुराने जमाने की चीजों को और लोगों को कभी कम समझना, क्योंकि आज की डेट में ओल्ड चीजों की मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है। जैसे कि सिंगर को ही देख लो, ये इतना ज्यादा हार्ड लेडीज वॉइस निकालता है ना कि इसके आगे रॉकस्टार बैंड की न्यू लेडीज सिंगर भी फेल है। और इस साल के म्यूजिक बैंड के आर्टिस्ट सब इधर से उधर रफा दफा हो गए हैं, तो फिर के का क्या होगा, ये लोगों का कहना है। तो फिर ये सब जानने के लिए आपको ना वीडियो में एंड तक बने रहना होगा दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं रॉकस्टार बैंड की न्यू लेडीज सिंगर से। वैसे लोग कहते थे रॉकस्टार बैंड में न्यू लेडीज सिंगर आई है, बहुत हार्ड परफॉर्मेंस करती है, तो ये सुन के मुझे लगा शायद कोई प्रोफेशनल सिंगर होगी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद ना मुझे हिना की याद आ गई, हिना। और ऐसा लगा या माइला, मैंने तो इसे कुछ और ही समझा था, मैनू तो लगा कोई प्रोफेशनल सिंगर होगी। लेकिन ये भी निकली 150 में नाचने वाली हिना की छोटी बहन, जो 150 नहीं बल्कि 500 लेती है। परफॉर्मेंस थोड़ा हार्ड और नेक्स्ट लेवल का कुछ इस तरह होता है, जिसे देखकर लोग भी यही कहते हैं मजा आ गया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। गजब बेइज्जती है। वैसे दोस्तों हमारे देश में ऐसे ऐसे नमूने मौजूद है जो चलती ट्रेन में ही छोड़ जाते हैं, और कोई हादसा होने पर ड्राइवर को ही जिम्मेदार ठहराते हैं और कहते हैं ड्राइवर ने ट्रेन नहीं रोकी। जैसे अजय देवगन को ही देख लो, ट्रेन के नीचे से निकलने के बाद वापस कार में ही बैठकर जाना था, तो फिर ये धबिंग करने की क्या जरूरत थी। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वैसे दोस्तों पुराने खिलाड़ी अब मैदान में उतर चुके हैं, मतलब मार्केट भी खराब होगा और मैदान में उड़ने वाले छग्गे सीधे पार्क होंगे पार्किंग लॉट में। यानी दोस्तों इस सिंगर को देखो, इसका नाम है सर्जन सिंगर। इस बंदे का लेडी वॉइस इतना ज्यादा बढ़िया और हार्ड है ना कि बंदे की वॉइस को सुनने के बाद प्रदीप सिंगर भी यही बोलेगा। वैसे दोस्तों वीडियो में के म्यूजिक बैंड के बारे में जानने से पहले छोटा सा एक वॉइस कंपटीशन कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही लोगों को पता चला है कि रॉकस्टार बैंड में न्यू लेडी सिंगर आई है, तो उस लेडी सिंगर के परफॉर्मेंस को लेकर लोगों के बीच में बहुत ही बड़ा हाहाकार मच चुका है। तो फिर दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, छोटा सा वॉइस कंपटीशन है और देखते हैं किसका वॉइस बेस्ट है, जो भी जीतेगा वो बनेगा विनर। चलिए दोस्तों जानते हैं के म्यूजिक बैंड के बारे में कि आखिर के म्यूजिक बैंड का क्या होगा। तो वैसे दोस्तों आपको पता होगा कि के म्यूजिक बैंड के सभी आर्टिस्ट से रफा दफा हो चुके हैं इधर से उधर, तो फिर के का क्या होगा। लेकिन दोस्तों जो भी के म्यूजिक बैंड के फैंस हैं उनको मैं एक ही बात बोलूँगा, के का कुछ नहीं होगा और के को कोई छू भी नहीं सकता। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा जब गोलू भाई कोहिनूर स्टार बैंड में थे तो अकेले ही काफ़ी थे कोहिनूर स्टार बैंड को चलाने के लिए, क्योंकि कोहिनूर स्टार बैंड के लोते एक ऐसे आर्टिस्ट है गोलू भाई, एक वॉइस आर्टिस्ट है जिनके गाने इतनी ज़्यादा सुरीले और बढ़िया आते थे कि पब्लिक को पसंद आते थे,
कोहिनूर स्टार बैंड के लाखों फैंस जो आज भी कोहिनूर को पसंद कर रहे हैं, और उन्हीं लाखों फैंस के दिल में गोलू भाई और गोलू भाई के गाने बसे हैं। तो वैसे दोस्तों, केके म्यूजिक बैंड में चाहे कोई भी आर्टिस्ट आए या फिर जाए, गोलू भाई को और केके म्यूजिक बैंड को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तब तक कि जब तक आप लोग गोलू भाई को और केके म्यूजिक बैंड को सपोर्ट करते रहोगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा कमाल किसका है पता है? आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों ने गोलू भाई को सपोर्ट किया और आप ही की बदौलत केके म्यूजिक बैंड आज बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो दोस्तों, मैं बस एक ही बात बोलूँगा कि केके म्यूजिक बैंड 2025 में टॉप रहेगी और आगे भी टॉप ही चलने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आने वाली वीडियो इनसे भी और भी ज़्यादा बढ़िया होंगे।